Hi guys, please welcome in my channel Education Planet part 15th. Hi guys, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th या लिटरेसी की बुक का एम क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए फाइव डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि पांच डिजिट का नंबर कोई भी आप कीबोर्ड से एंटर करवाएंगे. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए न्यू नंबर बाय एडिंग वन टू ईच ऑफ इट्स डिजिट्स, और उस नंबर में हर एक डिजिट में आप एक एंटर करवाएंगे, यानी कि एक ऐड करवाएंगे. जैसे आपने एग्जांपल के लिए बता रही है, इफ़ द नंबर डैट इज इनपुट इज 12391, यानी 12391 आपने इनपुट किया, देन द आउटपुट शुड बी डिस्प्लेड एज 123502, यानी कि 23502 ये आपका आउटपुट प्रोवाइड कर दें. जैसे कि आपका ये इनपुट है, आप इसमें हर डिजिट में एक एक ऐड करेंगे, यानी कि 11111 ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 23502. एक बार फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इंटीजर वैल्यू डालनी है आपने, और कोई सी वैल्यू हो सकती है. जैसे एग्जांपल के लिए आपने दे दिया 12391, लेकिन इंटीजर में आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप मोड ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि आपको हर डिजिट को सेपरेट करना होगा इसमें, तो मोड ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर पे ही वर्क करता है. आप इसीलिए इसे फ्लोट में नहीं ले सकते, और आपके सामने ये प्रोसेस करेगा, यानी कि हर डिजिट में एक एक ऐड कर देगा. तो ये 12391 में 11111 ऐड कर देगा और आउटपुट आपके सामने प्रोवाइड कर देगा 23502. आप इसमें कोई सी भी अमाउंट ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है इंटीजर की रेंज क्या होती है, आप उसी रेंज के अंदर का डेटा लेंगे, यानी कि 32767 तक का डेटा ही आप यूज कर सकते हैं. फिर आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम, आपने दो हेडर फाइल यूज कर ली, stdio.h, kono.h, wideman, color basis. ये चार लाइन हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं. अब हम लिखेंगे इसमें इन टाइप का डेटा डिक्लेयर करेंगे. एक हमें चाहिए वेरिएबल नंबर को स्कैन करने के लिए, उसके लिए ले लिया हमने num. फिर हमें पांच डिजिट हैं तो पांच वेरिएबल चाहिए जिसमें हर एक वेरिएबल में इसका एक डेटा होल्ड कर सके, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई. और एक चाहिए जिसमें हम इसमें ऐड करके नई डिजिट का जो आंसर आएगा वो डाल सकें. तो इसमें हमने ले लिया ऐड वन, ऐसे वेरिएबल ले लिया एब्रिविएशन में जिसमें हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें. अब हमने क्लियर स्क्रीन लगा दी, प्रिंट एफ मैसेज दे दिया स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, एंटर द फाइव डिजिट नंबर. हम इसमें ब्रैकेट में रेंज भी डाल देते हैं, रेंज 32767, ताकि वो इस रेंज से ऊपर ना डाल दे यूजर. अगर उसने 999 डाल दिया तो इंटीजर की रेंज से ऊपर चला जाएगा और ये आपको सही से आउटपुट नहीं दे पाएगा. स्कैन एफ हम परसेंट डी से स्कैन करवा देंगे, एम परसेंट नम. अब वो सपोज कीजिए आपको कोई भी डेटा डालता है, देखिए इसमें कुछ छूट गया है, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, अब ये प्रोग्राम सही हो गया. सपोज कीजिए वो कुछ भी डाल देता है, लेकिन हम अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आप बाद में कुछ और डाल के देख सकते हैं. सपोज कीजिए उसने स्कैन कर दिया, हमने कमेंट में दे दिया यहाँ पे डबल स्लैश से, उसने डाल दिया 12391, जो हमारा एग्जांपल है इसी वैल्यू को हमने डाल दिया कि सपोज कीजिए यही इसने स्कैन कर दिया. तो हर बार हम इसका फैक्टर करेंगे और उसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल चाहिए होंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए वेरिएबल को लेंगे पहले. इसमें हम क्या करेंगे, हमारा डेटा नम में है तो नम को मोड कर देंगे 10 से. तो इससे क्या होगा, कमेंट में लिख रहा हूँ मैं, सबसे लास्ट डिजिट जो है, यानी कि आपका वन जो है ये लास्ट वाला, ये आ जाएगा ए के अंदर, एज इक्वल टू वन, और फिर नम को छोटा कर देंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइड
10, यानी नम रह जाएगा अब। सिर्फ 1, 2, 3, 9। ये हमें 5 बार करना है। तो 5 बार करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हम लिखने से बच जाएंगे। कॉपी और पेस्ट। एक लाइन के गैप में 3 हो गया, 4 और 5। इस तरह हम लिखने से बच जाते हैं। अब हमें क्या करना है, पहला ये था, दूसरा बी वेरिएबल ले लेंगे, हर बार अलग अलग लेंगे। बी के अंदर नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा, क्योंकि नंबर तो आपका छोटा हो चुका है, तो बी के अंदर आ जाएगा आपका 9। इस तरह सी वेरिएबल ले लेंगे, और नम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट और कम हो जाएगा इसका। फिर वेरिएबल ले लेंगे हम इसमें सी, और इसमें आपके पास सी के अंदर आ जाएगा 3। ये रिवर्स में चल रहा है, एक डेटा आपका और कम हो जाएगा जब डिवाइड कर देंगे इसे। फिर हमने ले लिया डी, डी के अंदर जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये आपके पास रह जाएगा 3 के बाद रहता है आपके पास 2, और एक डेटा आपका और कम हो जाएगा, ये 1 बचा। अब हालांकि ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रोग्रामिंग में लास्ट स्टेप करना दिखाना अच्छे प्रोग्रामिंग का पार्ट माना जाता है। तो अब हमने इसमें जब डिवाइड कर दिया 10 से, तो ई के अंदर आपके पास रह गया, ये ऊपर डी रह गया था, डी कर दिया हमने इसे, ई के अंदर आपके पास आ गया लास्ट डिजिट जो है 1 वापस। और नम को जब 10 से डिवाइड किया तो नम में कुछ भी नहीं बचा अब, तो इसके अंदर आ जाएगा 0। एक बार मैं आपको ग्राफिक्स की मदद से बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ है। देखिए क्या हुआ, इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था नम, जिसके अंदर वैल्यू असाइन करवाई बाहर से 1, 2, 3, 9, 1, 12,391। इसके 5 फैक्टर करने थे, तो 5 वेरिएबल ले लिए इंटीजर के, ए बी सी डी ई। एक वेरिएबल ले लिया ऐड 1, क्योंकि सब में ऐड करना है एक डिजिट, तो ऐसा वेरिएबल ले लिए जिससे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें। अब पहले स्टेटमेंट में क्या हुआ, एज कल टू नम, नम के अंदर आया आपके पास 12,391, 10 से मोड करने पर ए के अंदर आ जाएगा लास्ट डिजिट 1, तो ये आपके पास आ गया। क्योंकि हमने मोड किया हुआ, तो मोड प्रोड्यूस करता है रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर आपके पास 1 बचा। नम को हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो नम छोटा हो गया हर बार, एक डिजिट छोटा हो गया, तो ये हो गया 1239। नेक्स्ट में हमने क्या किया, बी इक्वल टू 1239 मोड 10, तो बी के अंदर आ गया लास्ट डिजिट यानी कि 9, क्योंकि रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है ये। नम को हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये आपको मिल जाता है नम के अंदर 123। सी को हम, सी में हमने किया 123 को जब 10 से मोड किया, तो सी के अंदर आपके पास आ गया लास्ट डिजिट 3, और क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 3 है, नम को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसके अंदर बच गया 12। डी में हमने किया 12 को, लास्ट जो नंबर आ रहा है उसी को हम ले रहे हैं हर बार, तो 12 को हमने 10 से मोड किया तो ये आ गया आपके पास 2, और 12 को हमने 10 से डिवाइड किया तो इसके अंदर आ गया नम के अंदर 1। फिर ई के अंदर किया हमने, 1 को डिवाइड मोड किया 10 से, तो ये आ गया लास्ट डिजिट, क्योंकि रिमाइंडर ही बचता है। ए को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, वो आ गया। नम को 1 को जब 10 से डिवाइड किया तो 0 बचा। हालांकि इसे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने तब भी अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए इसे लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसके लिए हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है ऐड 1, उसी को अब यूज करेंगे। किस तरह से, देखिए हमने वेरिएबल ले लिया ऐड 1, इसमें हम हर डिजिट को जब ऐड करेंगे, देखिए जो पहला डिजिट आपका वो ई के अंदर है और दूसरा डी के अंदर, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में ये हो रहा है, तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में ही लिखेंगे। लिखना कैसे, प्लेस वैल्यू इसमें यूज होगी। हमने एक फॉर्मूला बना दिया, ई मल्टीप्लाई बाय प्लस 1, क्योंकि इसमें एक ऐड करना है, और मल्टीप्लाई बाय इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए पहले डिजिट की प्लेस वैल्यू 10,000, यानी
ये 12,000 जो आता है इसमें 4 जीरो आ जाएंगे, अगर यानी इसके आगे 4 जीरो लगा दें तो ये 10,000 बन जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड दो नंबर है इसके आगे 3 जीरो लगा दें तो ये 2,000 बन जाएगा, यानी इसकी प्लेस वैल्यू है 10,000, फिर दूसरे की 1,000, तीसरे की 100, फिर 10 और फिर 1। इसी प्लेस वैल्यू को यूज करते हुए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर देंगे हम 10,000 से। फिर प्लस अगला डिजिट है आपका डी, सब रिवर्स ऑर्डर में ही लिखना है आपने, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 1 जीरो कम होता जाएगा। फिर लिख दिया आपने सी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस अब आपने लिख दिया डी, अब आपने लिख दिया बी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, आप इसी तरह एक या दो नंबर का भी ऐड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इसमें हमने प्लस कर दिया ए प्लस 1, मल्टीप्लाई 1 करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 का ही वैल्यू वही आ जाती है। ये हमने इक्वेशन इसके अंदर कर दी। अब देखिए इसमें हुआ क्या, हमने एड 1 लिखा, एड 1 के अंदर ए प्लस 1 प्लस ई कर दिया, यानी ई प्लस 1 कर दीजिए या 1 प्लस ई कर दीजिए एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से। ई के अंदर है 1 जो पहला डिजिट है किसी भी नंबर का, तो जब हमने इसकी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 10,000। फिर इसमें प्लस कर दिया इसी 10,000 को जो नेक्स्ट वैल्यू आईडी उसमें वर्क कर दिया 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। और फिर हमने इसमें कर दिया 1,000 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो दूसरा डिजिट है जब इसकी 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेक्स्ट डिजिट पर आ जाएगा। फिर सी, सी के अंदर हमने 1 प्लस कर दिया, सेम इस बार हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि ये आपके पास हंड्रेड्स में था। ऐसे ही जब हमने बी लिखा प्लस 1 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपके पास बी वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी और एक नंबर ऐड करके। ऐसे ही ए में होगा प्लस 1 कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 23,502। देखिए इसे रन करते हैं प्रोग्राम, तो प्रिंट एफ की कमांड दे दी हमने, मैसेज दे दिया न्यू नंबर इज इक्वल का साइन इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया हमने परसेंट डी, और एड 1 को ही हमने प्रिंट करवा दिया। गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस। इस तरह से आपका प्रोग्राम हो गया। अब इसे फाइल को सेव करते हैं दोबारा से, प्रोग्राम देख लीजिए एक बार फिर से, आप स्क्रीन को रोक कर देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट्स से ऊपर इसका पूरी कोडिंग मिल जाएगी, आप वहीं से कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब रन कर देंगे हम प्रोग्राम को, रन मेन्यू में गए और हमने रन कर दिया, हमने दे दिया यही प्रोग्राम 1, 2, 3, 9, 1। अब देखिए आपके सामने वही रिजल्ट आ गया जो हमने समझाया था। तो क्या हुआ इसमें, 12,391 को जो हमने डाला 1 ऐड हुआ इसमें, यानी कि 11,111 ऐड हुआ, तो आउटपुट आपको मिल गया 23,502। अब हम कुछ और नंबर डाल देंगे, फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को, देखिए सिंपल प्रोग्राम हमने डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, सब में एक एक ऐड हो गया ये, तो ये हो गया 23,456, यानी कि 1 का 2 बन गया, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो आप प्रोग्राम एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन को रोक सकते हैं, और प्लीज़ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में गुड कमेंट्स या आपके कोई सुझाव है वो दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो ला के देते रहें,
और इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी प्रॉब्लम्स है या कोई किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर और भी वीडियो दिखाई दे रही है, आप यहीं से उस पर जाकर देख सकते हैं, जैसे HTML, अकाउंटेंसी एक्सेट्रा। फाइल मेनू में जाकर लास्ट में आप इसे क्विट करके बाहर आ सकते हैं। थैंक यू क्लास।